राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई माँ और एक भिन ब्याही बहन। सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। माँ स्कूल से रिटायर्ड थी और ज्यादातर टायर्ड रहती थी। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर थे, पैरालिसिस के बाद बॉडी आधी बंद हो गई और सैलरी पूरी। और बहन 28 की हो गई है कमो, मारुति 800 मांगते हैं दहेज में। अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए ना। हाँ जी थैंक यू। पता है तुझे भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से, तो बता हम खाएंगे क्या? माँ पनीर लेंगे। हाँ। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर तो नहीं नहीं बस बस माँ तू रहने देना अभी क्या। ठीक है भाई चुप हो जाती हूँ। ये अच्छा बच्चों के लिए कमाओ, नौकरानी की तरह काम करो और उसके बाद मौन व्रत रख लो। अरे घर की समस्या है तो बेटे को नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, उसके दोस्तों को? ए राजू। बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते कि दोस्त की मां की आंसू पोंछते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। इनकी एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है। और रोटी दूं बेटा? नहीं 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 बस 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 हो गया, पेट भर गया। हाँ फरहान बोल। तू जल्दी बाहर आ, मैं 5 मिनट में तेरे यहाँ पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ यार? चतुर का फोन था, रिमेम्बर हिम? कौन? साइलेंसर? हाँ वही वही, बोल रहा है कि रैंचो आ रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ बोला कि अगर रैंचो से मिलना है तो ठीक 8 बजे कैंपस आ जा टंकी पे। ओ शक्स। अरे तू जल्दी बाहर आना यार। हाँ ठीक है ओके। सुनी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे जूते, अरे अपना दोस्त मिल गया क्या? यार मैं आके बात करता हूँ भाई। अरे पैंट तो पहन के जाओ। अब तो होटल जाएंगे ना सर? अरे होटल जाएंगे काके, लेकिन इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होके। ओके सर। सॉक्स आना भूल गया यार। तू सॉक्स की बात कर रहा है? अबे नीचे देख पैंट भी भूल गया है। ओए तेरी। Emergency! Patient! ये तो रखता है अपने पास? ए आया राजू। राजू कमीने, बाबा को स्कूटर पे ले आया है। तो क्या स्पीड पोस्ट से भेजता? बाबा के प्रोफेशन में नहीं जाने का? कहाँ है बाबा? कहाँ है? अरे डॉक्टर से पूछ। इसे क्लोज कॉल पिया, 2-2.5 मिनट और देर हो जाती है तो लॉस्ट टाइम। अच्छा क्या जो एम्बुलेंस के लिए वेट नहीं किया, स्कूटर पर ले आई। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। ओके बाय। रैंचो थैंक यू यार। साले दोस्त को थैंक यू बोलता है, वो साइलेंसर तुझे मैंने सिखा रहा है। उसने तुझे ये नहीं बताया कि दोस्ती इंसान का सबसे बड़ा स्तन होता है। चलो चलो अब चलो, कल एग्जाम है ना तुम लोगों का। अरे एग्जाम तो बहुत होते हैं, बाप मोस्टली एक ही होता है। अब तो पोस्ट मास्टर साहब को साथ लेके ही जाएंगे, फिगर नॉट। माफ कर दे यार, मैं डर गया था। बस 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 चुप, मुझे माफ कर दे यार। So, you all have already learned about the
simple pendulum. Now, let's get down to the advanced study about compound pendulum. It's an irregular object oscillating about its own axis. Let me demonstrate to you. What's this? Pencil. What's inside? Lead. Good. Lead is the axis to this pencil. Even you can be a compound pendulum if you oscillate about. Raju, Rastogi, kaha hai? Present, sir. Hi, everybody is here. Good morning, sir. कल रात तुम कहाँ थे? सर पढ़ाई कर रहा था सर. Full night पढ़ाई कर रहा था सर. अच्छा? Really? हाँ सर, दो रात से सोया नहीं इसलिए ऐसा दिख रहा है सर. क्या बात कर रहे? क्या पढ़ाई कर रहे थे? Induction motor sir. Induction motor. Full पढ़ लिया सर इसने induction motor. Full. In that case, Mr. Raju Rastogi. Yes, sir. Can you tell us how an induction motor starts? Stop it! Sir, Ram. Mr. Rastogi, let's have a cup of tea in my office. Close the door. Type करना आता है? हाँ sir. मेरे लिए एक letter type करोगी? Definitely sir. Come sit. Sir, I'm sorry sir. Please type. Dear sir, it is my painful duty to inform you that your son is rusticated. No, sorry. Delete karo. Go back. Your son, Mr. Raju Rastogi, is rusticated from the Imperial College of Engineering. Come on, type. Come on, go on. Papa, mar jayenge, sir. Please type. Sir, please, sir. My decision is final and irrevocable. वो जिंदा सिर्फ इसलिए है कि मुझे इंजीनियर बनता देख सके सर. ये बात मेरे दरवाजे पे सुसु करने से पहले सोचनी चाहिए थी. सर एक मौका और दीजिए सर, प्लीज एक मौका दीजिए सर, प्लीज सर. ठीक है, लेटर में से अपना नाम निकाल दो और रणछोड़दास छाछड़ का नाम डाल दो. मुझे पता है कि कल रात वो तुम्हारे साथ था. मेरे विटनेस बन जाओ और मैं तुम्हें कॉलेज से नहीं निकालूंगा. तुम्हारे पास सोचने के लिए 7.5 मिनट. क्या हो गया? You had an accident? सर वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके थर्ड फ्लोर से कूद गया था सर. Why? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था. क्यों? सर मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था. आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर सर, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा. मैं डरने लगा, यहाँ आया तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं. मैं और डरने लगा. फियर इज़ नॉट गुड फॉर ग्रेट सर. और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा. पूजा क्या, भगवान से भीख मांगने लगा, ये दे दो वो दे दो. 16 हड्डियाँ टूटी, 2 महीने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आई.
सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला। अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते ना सर, तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूँगा सर। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक आदमी की ज़रूरत है, आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कुछ हो सकता है। दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया सर, बड़ी मुश्किल से आया है एटीट्यूड, नहीं होगा सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर। रोको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी मैं, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें।